फायर ब्रांड हिमंता ने फिर किया कांग्रेस को बेनकाब। कांग्रेस में करोड़ों रुपए लेकर बेचा जाता है टिकट। हरियाणा के बाद अब झारखंड में भी बुरी फंसी कांग्रेस। जिस कांग्रेस ने देश पर सबसे ज्यादा राज किया, जिस कांग्रेस ने तमाम राज्यों में सरकारें चलाई, जिस कांग्रेस ने देश को नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, सोनिया और राहुल गांधी के राज में उसी कांग्रेस की हालत क्या हो गई है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि अपने ही नेताओं को कांग्रेस करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेच रही है, और जिस नेता के पास करोड़ों रुपए देने के लिए नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। ये बड़ा खुलासा हुआ है चुनावी राज्य झारखंड में, जहां पुराने कांग्रेसी नेताओं ने एक एक कर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। दरअसल जहां जहां चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस की फजीहत जरूर बढ़ जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है, जहां कांग्रेस जीत के मुहाने पर पहुंचकर हार गई। क्योंकि एक तरफ जहां हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा की लड़ाई ने कांग्रेस की फजीहत करवाई, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे को लेकर भी खूब फजीहत हुई थी। शारदा राठौर जैसी कांग्रेस नेता ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कहा था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है, मैंने तो ईमानदारी की राजनीति की थी। हरियाणा में लगे गंभीर आरोप के बावजूद लगता है कांग्रेस आलाकमान ने कोई सबक नहीं लिया, और अब झारखंड में भी टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की खूब फजीहत हो रही है। यहाँ तो कांग्रेस के ही मौजूदा विधायक उमा शंकर अकेला ने टिकट कटने पर अपनी ही पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने के गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया, अगर मैं 2 करोड़ रुपए डोनेशन देता तो मुझे टिकट मिल जाता, वहाँ पैसे से टिकट मिलता है, इससे मैं काफी दुखी था। 2 करोड़ रुपए टिकट खरीदने के लिए हम कहाँ से लाएंगे। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक उमा शंकर अकेला का टिकट काट कर उनकी जगह बरही सीट से अरुण साहू को टिकट दे दिया, जिससे भड़के उमा शंकर अकेला कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ एक और पुराने कांग्रेसी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसी मामले में कांग्रेस को बख्शा नहीं, और खुद को पुराना कांग्रेसी बताते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि ये तो कांग्रेस का सिस्टम रहा है कि अगर 100 टिकट बांटती है कांग्रेस तो 20 टिकट बेच दिए जाते हैं, और ये मेरा खुद का अनुभव है। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था, 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है, तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है, मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। हिमंता बिस्वा सरमा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के काम करने के कल्चर को भी उन्होंने जरूर देखा होगा, इसलिए साल 2014 में बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया था कि जब मैं राहुल से मिलने दिल्ली जाता था तो वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में बिजी रहते थे, नेताओं की बात ही नहीं सुनते थे। इसी वजह से हिमंता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और आज असम के मुख्यमंत्री तो हैं ही, बीजेपी ने उन्हें झारखंड चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाकर भी भेज दिया है, यानी कि उन पर बीजेपी के द्वारा झारखंड चुनाव जिताने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे अच्छी तरह से निभाने के लिए सीएम हिमंता ने पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो बीजेपी को झारखंड की सत्ता दिला पाते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही चुनावी रैली में सीएम हिमंता ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं बिना मुस्कु आपको अरब देश में बुला रहा है क्या, हुसैनाबाद, ये क्या नाम है? बोला नहीं, ये झारखंड में ही है। मैंने बोला झारखंड में महापुरुष बिरसा मुंडा जी जैसा व्यक्ति रहे, हमारे झारखंड में सिद्धू कानू रहे, रामकृष्ण हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये हुसैन यहां से कहां आ गया?
तो मेरा निवेदन होगा जिला तो बनेगा बाकी एक शर्त में बनेगा, नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा कानून का रास्ता से। हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये सुनाओ किसी को विधायक बनाना नहीं, ये सुनाओ किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये सुनाओ घुसपैठियों को लात मार के भगाने का ये सुनाओ है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। आज बाबर को धक्का मार मार के भगा के अगर राम मंदिर का बनाने का हिम्मत करता है वो बीजेपी ही कर सकता है। लेकिन लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं अयोध्या से तो राम मंदिर बन गया, अयोध्या में भी तो राम मंदिर बन गया, बाबर तो भाग गया, लेकिन हमारा देश में कोई कोई जगह में अभी भी बाबर लोग छुपा हुआ है। ये छुपे हुए बाबर लोगों को भी भगाना है कि नहीं है? भगाना है कि नहीं? ये छुपे हुए बाबरों को भी हमने भगाना होगा और इसीलिए बीजेपी का सरकार हमें बनाना है। ऐसे है आप लोग सब ठीक ठाक है? कुशल मंगल? मेरा साथ बोलिए जय जय श्री राम। सभा में विराजमान हमारे पालामू जिला की अध्यक्ष अमित तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की सम्माननीय मंत्री, हमारे भाई दयाशंकर जी, हुसैनाबाद की हमारे उम्मीदवार, आप सबकी प्यारे कमलेश कुमार सिंह जी, मेरा भाई सूर्य सुनाल सिंह जी, जवाहर पासवान जी, लाल बहादुर चौधरी जी, अशोक सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, मधुलता रानी जी, ज्योति पांडे जी, सभी सम्माननीय मंच में विराजमान सम्माननीय हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कमलेश जी का नामांकन हो चुका है और इतना बड़ी संख्या में आप लोगों ने कमलेश जी का साथ दिया, कमलेश जी का विजय का माला भी पहना दिया गया है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा कमलेश जी? आप लोगों को देख के मैं विश्वास करता हूं कि कमलेश जी कम से कम 25,000 वोट से इस बार हुसैनाबाद से जीतेगा, ये मेरा मन में कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, कमलेश जी को मैं बहुत दिन से नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैं झारखंड चुनाव की प्रभारी बने, माननीय गृह मंत्री अमित सिंह जी, अमित शाह जी रांची में आए थे और मुझको बोले थे कि आप कमलेश जी से वार्तालाप करते रहे। अमित शाह जी का निर्देश था, मैं कमलेश जी को फोन करके बोला कि आपको मैं रांची में मिलो, दिल्ली में मिलो कि आप गुवाहाटी में आ सकता है। उन्होंने बोला आपको मैं गुवाहाटी में ही आके मिलता हूं, माँ कामाख्या का दर्शन भी हो जाएगा। हम लोग गुवाहाटी में मिले, बातचीत किए, मैं बहुत प्रभावित हुए और मैं कमलेश जी को बोले कि एनसीपी अच्छा पार्टी है, लेकिन आप एनसीपी में मत रहिए, आप बीजेपी में आइए और हम लोग मिल के एक साथ देश के लिए, समाज के लिए काम करूंगा। मेरे लिए गर्व का बात है, कमलेश जी ने बोला कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बताया है तो मैं जरूर बीजेपी में आऊंगा। उन्होंने बीजेपी में योगदान किया और मैं आज बहुत खुशी हूं कि आज एनडीए का मंच में हम कमलेश सिंह जी को देख रहा हूं और मेरा विश्वास है कि हमारे एनडीए का सारे घटक दल तन मन लगा के
कमलेश सिंह जी को विजयी बनाने का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है।